लोकसभा में जो है हमारे यहाँ से करण सिंह दलाल लगातार 5 योजनाओं से विधायक रहते आए हैं, और इस बार जो लोगों ने अपना मत दिया है वो एक विकास के उस पर दिया है। मंगला जी ने यहाँ पे बहुत ज़्यादा विकास किए हैं, और जो मोदी की लहर थी वो लहर ना होके एक सुनामी लहर बनी। तो हमारे गांव के अंदर करण दलाल जी आए थे, उन्होंने गांव को इकट्ठा किया था कि भाई अवतार बढ़ाना के लिए वोट देना है, लेकिन गांव वालों ने विकास के लिए और मोदी की लहर के लिए दीपक मंगला जी के कामों को देखते हुए, करण दलाल के भाईचारे को भी नकारते हुए, उन्होंने जो है सबसे ज़्यादा वोट बीजेपी के कृष्ण पाल जी को दिए हैं। हमारे जो अवतार बढ़ाना को यहाँ से किठवाड़ी गांव से 352 वोट मिले हैं। महेंद्र चौहान जो इन्हें लोग हैं उनकी रिश्तेदारी है गांव में, उनको 357 वोट मिले हैं। और श्री कृष्णपाल गुर्जर जी को हमारे गांव से 764 वोट मिले। जो दूसरे प्रत्याशी थे आम आदमी पार्टी, ये दूसरे नहीं, उनको एक भी वोट नहीं मिला हमारे गांव से। अच्छा, एक भी वोट नहीं मिला। 291 वोट मंधीर मान जो बसपा प्रत्याशी थे उनको मिले। क्या मानकर चलते हैं आपकी जो कठवाड़ी गांव ने इस बार जो जनादेश दिया है जी, क्या है, या आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रतिक्रिया दे सकता है? लोगों में जागृति है, अब लोगों की एक ही सोच है कि जो विकास करेगा। अभी हमारे गांव में 2 लड़के लगे हैं जिन्होंने 1 पैसा रिश्वत नहीं दिया, और मैं मानता हूं अगर कोई और सरकार होती तो शायद उन बच्चों के जो है वो बच्चे कभी लगते ही नहीं। अभी यहाँ से भी शमशाबाद से भी हमारे 9 SC भाई लगे बिना पैसों के लगे हैं। तो लोगों के दिमाग में ये हो गया है कि भाई अब एक तानाशाह जो राज चलता था पहले, उसको लोग अभी क्या है कि अब यहाँ तो शेर और बकरी एक घाट पे पानी पी रहे हैं। तो इसलिए लोगों का डर और भय खत्म हो चुका है, उन्हें पता है मोदी भी अच्छा आदमी है, इधर हमारे मनोहर लाल खट्टर भी बहुत सीधे और एक अच्छे ईमानदार आदमी है। और पलवल विधानसभा में तो जितना भी श्रेय जाता है वो आदरणीय श्री दीपक मंगला जी को जाता है, उन्होंने जो विकास की ब्यार बाह रखी है उसमें कोई भेदभाव नहीं है। क्या लगता है कि विधानसभा चुनाव में इस बार क्या होगा? विधानसभा चुनाव में इस बार 70 से ऊपर सीट बीजेपी की आएगी, और हमारे पलवल से आदरणीय श्री दीपक मंगला जी जीतेंगे। और जो हमारे गांव के वोटों का आंकड़ा है, इसको अब हमारी ये मेहनत रहेगी कि इसको हम ऊपर तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन भगवान ने चाहा तो ग्राफ कम नहीं होगा। सबसे पहली बात तो आपकी बात को मैं काटूंगा। जी आपने कहा कि दीपक मंगला की जीत होगी, दीपक अभी टिकट भी कंफर्म नहीं हुई है नहीं, बीजेपी टिकट तो कंफर्म है, नहीं वो आप तो अभी ऐसे पक्का, नहीं कह सकते। वो नहीं, ये कहने की बात नहीं है, ये तो बहुत आरएसएस के बचपन से ही आरएसएस के आदमी हैं और बहुत मेहनती हैं, लगनशील हैं, और उन्होंने जितने विकास कार्य यहाँ किए हैं मेरे ख्याल से पूरे हरियाणा में किसी भी विधानसभा क्षेत्र में इतना विकास कार्य नहीं हुआ। अभी यही देखो आप शमशाबाद में 130 करोड़ रुपए जो भी आपके सामने काम भी चल रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हो मौके पे भी, ये हर घर में रेलवे लाइन से उल्टी तरफ जितनी भी दलित और मलिन बस्ती हैं, SC और BC लोग हैं, उन सब के लिए हर घर में RO का पानी जाएगा। ये एक बहुत बड़ी योजना लेके आए, इस योजना को पूरा होते ही यहाँ पे तुरंत सीवर लाइन का काम स्टार्ट हो जाएगा। यानी कि आपका कहने का तात्पर्य है कि आप ही के गांव के करण सिंह दलाल जो हैं जी उनके लिए इस बार विधानसभा चुनाव टेढ़ी खीर है। हाँ, टेढ़ी खीर है। दरअसल क्या है, 30 साल में विधायक साहब ने हमारे लिए, हालांकि मेरे भाई हैं वो, लेकिन यहाँ 30 साल में दलाल साहब ने 30 गली भी नहीं बनवाई थी, और आज 3 साल में आदरणीय श्री दीपक मंगला जी ने यहाँ करीब करीब 275 गलियों का निर्माण जो सुचारू रूप से हो चुका है, संपन्न हो चुका है, और करीब करीब 20 गलियों में काम भी चल रहा है। हर घर में लाइट की व्यवस्था है, खम्भों की व्यवस्था है, आप अब किसी भी गली में जाए गाड़ी लेके आराम से किसी भी गली में, पूरे शमशाबाद, इस्लामाबाद, मोहननगर, हरिनगर, कैलाश नगर, राजीव नगर, गांधीनगर, जिस भी आप उसमें जाओगे हर गली में आपकी गाड़ी पहुंच जाएगी, पहले पैदल चलना मुश्किल था। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।